स्वागत है आप सभी का महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नंबर 100% पक्का है इसका। दोस्तों गायत्री मंत्र कल सुबह मैं आपके लिए चलवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों मेरे साथ में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्तों, और इसी के द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी नवी अनुसूची? भारत के मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूची थी? 8 थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। इस नवी अनुसूची का संबंध भूमि सुधार किससे दोस्तों? लैंड रिफॉर्म से है, भूमि सुधार से। तो पहला संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन भारत के कौन से अनुच्छेद में? 368। कौन से अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में। किस देश से लिए गए? तो नोट करना, किस देश से दोस्तों हमने संविधान संशोधन को लिया, फटाफट छापिए। अगला देखिए, सातवां संविधान संशोधन 1956 दोस्तों, और इसी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग था? फजल अली कमीशन। कौन सा है? फजल अली कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो नोट करना, सातवां संविधान संशोधन 1956 दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस समय भारत में कितने राज्य थे? तो नोट करना, संविधान संशोधन हमने साउथ अफ्रीका से लिया है दोस्तों। अगर मैं पूछूं इस समय भारत में कितने राज्य थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में सूचित करो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन। तो नोट करना दोस्तों, ये हुआ 1976, लेकिन दोस्तों लागू कब से हुआ? 1977 से। अगर पूछो किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति दोस्तों, इसी की सिफारिश पर इस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसको? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। कहां जोड़ा गया? भाग 4A के अंदर। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A। टोटल कितने जोड़े गए दोस्तों? टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और किस देश से लिए दोस्तों? रूस से लिए। किससे? सोवियत संघ या फिर रूस से लिए थे। अगर मैं आपसे पूछूं लघु संविधान किसे कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिख लेना 42वां संविधान संशोधन। और इसी के द्वारा, क्या? इसी के द्वारा दोस्तों नोट करना, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। क्या? प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन था। और अगर आपसे पूछे कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द। समाजवाद जोड़ा गया दोस्तों, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। तो यह था 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। तो नोट करना, इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का जो अधिकार था इसे फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें दोस्तों? लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया। किसको दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को। अगर आपसे पूछो कि दोस्तों फंडामेंटल राइट से लीगल राइट, लीगल राइट में कहां, तो लीगल राइट में दोस्तों नोट करना, लीगल राइट में अनुच्छेद 300A। कहां? अनुच्छेद 300A। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है? तो वर्तमान में दोस्तों लीगल राइट है संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई के समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 दोस्तों। और अगर आपसे पूछे अनुसूची 10 कौन सी है, अनुसूची 10 को इसी के द्वारा जोड़ा गया। और अनुसूची 10 दल बदल, क्या है दोस्तों? दल बदल संबंधित है।
कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 10। तो दोस्तों 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपसे पूछे 1986 दोस्तों अनुसूची कितनी है? अनुसूची 10 है। और दोस्तों ध्यान रखना दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। वोट डालने की जो उम्र है उसे 21 वर्ष से कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो लिखना दोस्तों मतदान की जो उम्र है, इसे कितना कर दिया? 21 वर्ष से 18 वर्ष दोस्तों मतदान की उम्र को कर दिया। अगर आपसे पूछे कब का है? 1989 दोस्तों। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उसी का है दोस्तों 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ध्यान रखना मतदान की जो उम्र है दोस्तों, हाँ हाँ 1985 कर लो इसे, है ना, सॉरी 1985 कर लो, 1986 वाला तो अभी आएगा ना। तो दोस्तों नोट करना 1985 है ना, तो 1985 था 52वां, ठीक है, हाँ 1985 कर लो इसको, ठीक है ना। 1989 में कौन सा है दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन है। 21 से कितना कर दिए? 18 वर्ष जो है वो उम्र दोस्तों कर दी गई। 73वां संविधान संशोधन है, याद करो 24 अप्रैल 1993 दोस्तों ये लागू होता है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 11। कमेंट बॉक्स में बताओ इस अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शन नंबर 1 29, ऑप्शन नंबर बी 18। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में कि 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय शामिल हैं। फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापो 11वीं जो अनुसूची है इसमें कितने विषय शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 29 और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 18। जल्दी से 73वां संविधान संशोधन और इसी दिन 24 अप्रैल को बनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। कौन सा? पंचायती राज दिवस इसी दिन बनाया जाता है। तो बताइए भाई साहब कितने विषय हैं? 29 या फिर 18? 29 या फिर 18? देखिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप हो सकता है दोनों में कंफ्यूज हो, आज के बाद मत होना। अरे किसका जोड़ने पर 11 आएगा? तो नोट कर लो इसके जोड़ने पर 11 आएगा। क्या यही तो है जिसको जोड़ने पर 11 आएगा? तो दोस्तों आंसर क्या हो गया? 29। क्या हो गया? 29। तो ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 और कितने विषय दोस्तों? टोटल 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन इसका संबंध किससे है? अनुसूची 12 से है। और अगर आपसे पूछो दोस्तों संबंधित किससे है? नगर निकाय, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनसे संबंधित है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86वां संविधान संशोधन, ये लिख लेना दोस्तों, शिक्षा संबंधित आपको कुछ भी मिलता है संविधान में तो वो किससे आया? 86वां संविधान संशोधन से। और अगर आपसे पूछो जैसे अनुच्छेद 21A दोस्तों राइट टू एजुकेशन, क्या राइट टू एजुकेशन जो है दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के अंदर। अगर पूछो फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें 11वीं दोस्तों 11वीं जो आपके ड्यूटी है, 11वां जो कर्तव्य है वो भी किससे आया? 86वें संविधान संशोधन से। और ये दोस्तों कब हुआ? सन 2002। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। क्या नोट करना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकमात्र, क्या एकमात्र, इसमें हुआ क्या था? NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये
इसके अंदर आया दोस्तों। और अगर पूछो किसका रिप्लेस करने के लिए, तो ये रिप्लेस करता कोलेजियम पद्धति। किसको दोस्तों? जो कोलेजियम पद्धति यूज होती है उसे रिप्लेस करने के लिए नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको लाया गया दोस्तों। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया NJAC सिस्टम को। अगला है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन। ये हमने बांग्लादेश को, भारत और बांग्लादेश, 3 बीघा गलियारा, क्या 3 बीघा गलियारा या 3 बीघा कॉरिडोर, इसके लिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 100वां संविधान संशोधन। भारत की अगर किसी भी जमीन को किसी और देश को देना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो हो गया 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, 101 का कन्यादान। एक दोस्तों 101 का कन्यादान है, लिख लेना GST। कौन सा है? GST सन 2017 से लागू होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है GST। और लागू करने वाला पहला राज्य असम दोस्तों। समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। कौन सी है? विजय केलकर समिति। GST 101वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन 102, OBC आयोग को क्या बनाना? संवैधानिक आयोग बनाना। उसके लिए दोस्तों कौन सा है? उसके लिए लिख लेना 102वां संविधान संशोधन। तो जो ओबीसी आयोग है इसे संवैधानिक आयोग में कन्वर्ट करने के लिए 102वां संविधान संशोधन। 103 दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दोस्तों, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, क्या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% का जो आरक्षण था वो दोस्तों किसमें आया? ये आया 103वां संविधान संशोधन, EWS। अगला क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन। पहली बात तो SC ST के लिए सीट का जो रिजर्वेशन है उसे 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया, क्या 10 वर्ष के लिए सीटों का रिजर्वेशन SC ST के लिए बढ़ा दिया। और दूसरा दोस्तों एंग्लो इंडियन की जो आपके पद, एंग्लो इंडियन की जो सीट थी उसे समाप्त कर दिया। तो यह है दोस्तों आपका कौन सा? यह है आपके 104वां संविधान संशोधन। अब एक बार फटाफट से 1 मिनट के अंदर